के बारे में जानेंगे, क्राइम क्या है क्राइम। तो फ्रेंड्स, क्राइम के बारे में हमारे यहाँ आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 40 में क्राइम के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2N में अपराध के बारे में बताया गया है कि अपराध क्या है, क्राइम क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अपराध के बारे में क्या कहा गया है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहा गया है कि अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इस परिभाषा से क्या पता चलता है कि ऐसे कार्य का करना या उसका न करना जो तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, ऐसे कार्य अपराध कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी काम का करना ये तो समझ में आता है, किसी काम का न करना ये भी अपराध है, ठीक है ना। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, फिर आसानी से बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक नियम है कि हर व्यक्ति को स्वच्छंदता के साथ अच्छे से रहना है, यदि हम उसके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं तो ये तो अपराध हुआ, ये तो बात आसानी से समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिए हम वहां पे कुछ ना करें फिर भी अपराध है, ये अपराध कैसे हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके संरक्षण में कुछ लोग हैं तथा उसे वह अधिकार दिया गया है कि उन सबको वो अच्छे से रखे, उनको अच्छे से पर्याप्त भोजन दे, लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति उसको भोजन नहीं देता है, यदि उसे भोजन नहीं देता है तो ये अपराध किया कि नहीं किया, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उसे भोजन देना, लेकिन वो उसको भोजन नहीं दे रहा है तो ये भी अपराध ही है। तो कोई कार्य करना, ठीक है ना, या कार्य का लोप करना, मतलब कार्य को नहीं करना, ये दोनों अपराध कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी भी कार्य का करना और कार्य का नहीं करना तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार जिसे दंडनीय बनाया गया है उसे ही हम अपराध कहेंगे। इसका एक और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 37, 38, 39 में, जिसमें कि पुलिस और मजिस्ट्रेट को मदद करने के लिए हम कब बाध्य हैं। तो यदि हम उस समय उनको मदद नहीं करते हैं तो भी अपने आप में अपराध हो जाता है। उसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 187, 188, इसके अंतर्गत भी हम बाध्य हैं पुलिस की मदद करने के लिए, यदि वो हमसे मदद मांगती है तो हमें मदद करना है, यदि हम उसे नहीं करेंगे तो हम अपने आप में अपराध करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई किसी कार्य को करना और किसी कार्य का लोभ, ये दोनों जो उस समय प्रचलित विधि जो चल रही है उस विधि के अनुसार यदि दंडनीय है तो वो अपराध है, लेकिन यदि मान लीजिए उस समय प्रचलित विधि के अनुसार वो दंडनीय नहीं है तो अपराध नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम लोग अपराध की अवस्था के बारे में सोचते हैं, अपराध किस किस अवस्था से होते हुए अपराध का रूप ले लेता है। कोई भी अपराध तुरंत अपराध नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत सारे, जैसे मान लीजिए एक पेड़ को पेड़ बनने में बहुत सारे समय लगते हैं, मतलब उसमें बीज डालना है, खाद डालना है, पानी डालना है, तब वो धीरे धीरे जो है वो पेड़ का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार से अपराध जो है वो एक दिन का कृत्य नहीं होता है, उसमें सबसे पहले आशय, किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए उसके मन में आशय, आशय में भी गलत आशय, दुराशय, दुराशय उत्पन्न होना चाहिए। दुराशय उत्पन्न होने के बाद वह उस कार्य को करने की तैयारी करता है, उस दुराशय को रोक देने के लिए वो कुछ न कुछ तैयारी करता है, ठीक है ना। तैयारी करने के बाद वो उसको प्रयास करता है, प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद वो जब उसको प्रयास सफल हो जाता है तो अपराध बन जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, अपराध जो है चार अवस्थाओं से होती हुई गुजरती है। सबसे पहले क्या है, आशय। आशय क्या है, मन में गलत भावना, दुराशय, मतलब अपराध करने की भावना मन में होनी चाहिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, यदि किसी के मन में कोई गलत भावना नहीं है, आशय ही नहीं है, लेकिन अपराध हो गया तो उसे सजा मिलेगी क्या? उसे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स आईपीसी का सेक्शन 81 जो अपवाद से संबंधित है उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी अपराध बिना आशय के किया जाए, ठीक है ना, जिसमें आपराधिक आशय नहीं हो,
तो वो अपराध नहीं कहलाता है। तो किसी भी अपराध को होने के लिए उसमें दुराशय, ठीक है ना, आपराधिक आशय या दुराशय का होना सबसे अधिक जरूरी है। मतलब आशय, फिर उसके बाद उसकी तैयारी, फिर उसके बाद उसका प्रयास, और यदि प्रयास सफल हो गया तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि मान लो किसी के मन में बस केवल आशय है तो क्या उसे सजा मिल सकती है? क्या उसे सजा नहीं मिल सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ख्याली पुलाव पकाता है, वो आएगा तो मैं उसको ऐसे मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जब वो व्यक्ति आता है तो व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पाता है तो उसे सजा मिलेगी क्या? उसे सजा नहीं मिलेगी। तो जो पहली अवस्था है अपराध की, जो पहली अवस्था है उसपे किसी को कोई सजा नहीं मिलती। दूसरी अवस्था है तैयारी। तैयारी में क्या करना है कि वो व्यक्ति जो है, वो आदमी आएगा तो डंडा लेकर रखा है, जैसे ही वो आदमी आएगा तो मैं उसको डंडे से मारूंगा, ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, वो पूरा तैयारी करके रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आता है तो वो जो है उसे मारता वारता कुछ नहीं है, बिल्कुल डंडा पड़ा का पड़ा रह जाता है और खूब पसीना पसीना हो जाता है, तो उसे सजा मिलेगी क्या? उसे भी सजा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। मतलब उसके मन में आशय भी है, दुराशय है उसके मारने का, उसने तैयारी भी कर ली है लेकिन उसने मारा नहीं, मतलब प्रयास नहीं किया, तो उसे सजा नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें तैयारी में भी सजा मिलती है। किस चीज की तैयारी? जो देश की रक्षा से संबंधित है, जो देश की रक्षा से संबंधित जो बातें होती हैं, यदि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं वहां पे बम से सबको उड़ा दूंगा और जाने के बाद देखा कि वहां पे बम रखा हुआ है, मतलब उसका आशय था कि वो जो है बम से उड़ाने की बात कर रहा था, और जब वहां पे गई पुलिस तो देखी वहां पे बहुत सारा बम भी है, तो ये अपने आप में अपराध है। तो मतलब जब देश की सुरक्षा से बात हो तो वहां पे तैयारी भी जो है वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन ऐसे तैयारी भी जो है श्रेणी में नहीं आता है। फिर उसके बाद अगला है प्रयास। मतलब व्यक्ति जो है सोच लिया कि वो आएगा तो मैं उसे डंडे से मारूंगा, और जैसे ही वो आता है वो डंडा उठाता है, ठीक है ना, डंडा उठाता है, तो डंडा उठाता है और उसे मारता भी है, डंडा उठाया उसे मारा भी, ये बात अलग है कि उसे नहीं लगी, लेकिन ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। प्रयास जब है, जो उसका प्रयास है अपराध करने का प्रयास, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए वो उसे मार देता है, उसे जान से मार देता है, तो अपराध है ही है, फिर वो अपराध की चौथी अवस्था को पार कर लेगा और वो पूरी तरह से वो जो अपराध की जो सजा होगी उससे उसे दंडित किया जाएगा। तो अपराध की चार अवस्थाएं हुई, आशय, तैयारी, प्रयास और अपराध, चौथी अवस्था में अपराध बन जाता है। तैयारी करना कुछ मामलों में ही बस केवल अपराध है, सभी मामलों में अपराध नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम लोग अपराध के आवश्यक तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। अपराध के आवश्यक चार तत्व हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग चार अवस्थाएं देखे ना, चार अवस्थाएं देखे, अब अपराध के आवश्यक तत्व देखते हैं। अपराध के चार आवश्यक तत्व हैं। अपराध के चार आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला, एक मानव प्राणी हो जो विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए विधिक दायित्व के अधीन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर वो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वैधानिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे ये कार्य करना ही है। जैसे मान लो उसे खाना खिलाना है तो उसकी जिम्मेवारी है कि उसे खाना खिलाना है, यदि वो नहीं खिलाता है तो अपने आप में अपराध हो जाएगा। तो पहला आवश्यक तत्व क्या हुआ? एक मानव प्राणी जो विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए विधिक दायित्व के अधीन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तत्व क्या कहता है? ऐसे मानव प्राणी के मन में दुराशय उत्पन्न होना चाहिए, मतलब जो व्यक्ति विधिक दायित्व के अधीन है उसके मन में दुराशय उत्पन्न होना चाहिए, मैं उसे खाना नहीं खिलाऊंगा, ठीक है ना, या फिर मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मतलब वो जिस कार्य के अधीन है उस कार्य को करने या नहीं करने के लिए उसके मन में जो है दुराशय, बुरी आशय, आपराधिक आशय उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस आशय के अग्रसर में वो कोई कार्य किया हो या नहीं किया हो, ठीक है फ्रेंड्स, पहले वो मानव होना है, दूसरा उसके मन में जो है दुराशय उत्पन्न होना है, और तीसरा उस दुराशय के कारण वो कोई कार्य करता है या फिर कार्य नहीं करता है। मान लीजिए दुराशय उत्पन्न हो गया कि मैं उस व्यक्ति को आज खाना नहीं दूंगा, लेकिन वो जैसे वो व्यक्ति उसके पास आता है तो उसको खाना दे देता है, तो वो तीसरी अवस्था आई ही नहीं, तो ये अपराध नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति होना है, उसके मन में दुराशय होना है,
दुराशय उत्पन्न होना है, साथ ही साथ दुराशय को अग्रसर करने के लिए उसे किसी कार्य को करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है ना, किसी कार्य को करना है या नहीं करना है। फिर इस कार्य के परिणाम स्वरूप जो वो कार्य किया या नहीं किया, तो इससे मानव समाज को या फिर व्यक्ति विशेष को क्षति होनी चाहिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य किया, बुरी भावनाओं के साथ किया, दुराशय के साथ किया, और उसके उस कार्य से समाज को या मनुष्य को क्षति पहुंचती है तो वो अपराध बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में अपराध क्या है और अपराध कब अपराध बनता है इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके मुख्य बिंदु जो है वो है दुराशय, मन में भावनाएं होनी चाहिए और उस भावनाओं को अग्रसर करने के लिए उसने कोई कार्य किया हो और कार्य न किया हो, साथ ही साथ में उससे या मनुष्य को या फिर समाज को क्षति पहुंची हो, तभी वो कार्य उसका अपराध की श्रेणी में आता है, अन्यथा वो अपराध नहीं कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो में आप अपराध के बारे में समझ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।